हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुल यहाँ पे 50 जो क्वेश्चन है फिलर के हैं, ठीक है। कुल यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, यहाँ पे कुल 50 क्वेश्चन है फिलर के, जो कि किस पे बेस्ड है, आपके सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट पे बेस्ड है, ठीक है। जिसमें कि सभी जो आपके यहाँ पे रूल्स हैं, सभी के सभी जितने भी रूल इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, सभी इसमें रूल आपके कवर हो जाएंगे। तो आइए फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पार्सल ऑफ बुक्स डैश बिन रिसीव्ड, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ए पार्सल से पता चल रहा है कि यहाँ पे एक पार्सल की बात हो रही है, ठीक है। तो एक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर के साथ, हम क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर यहाँ पे सब्जेक्ट है ये, ठीक है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, है ना। मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़, ठीक। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे तो सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए सिंगुलर वर्ब हो गया, है ना। लेकिन एक यहाँ पे दो केस मैं सिखाऊंगा, जबकि जैसे कि ए नंबर ऑफ, ठीक है, ए नंबर ऑफ अगर रहे, है ना, सेंटेंस ए नंबर ऑफ रहे, तो ए नंबर से क्या पता चलता है, ये इनडेफिनिट कोई क्वांटिटी या नंबर होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो आपका जो सब्जेक्ट होगा, मीन्स कि इसके बाद के बाद जो भी नाउन होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही, उसके अकॉर्डिंग, इसके बाद जो नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पे क्या होगा, वर्ब डिफाइन होगा। मीन्स कि वो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ठीक है। हालांकि अगर ए नंबर ऑफ की बात हम करें तो वर्ब हमेशा क्या होता है, यहाँ पे प्लूरल होता है, ठीक। इसी तरह द नंबर ऑफ की अगर बात करें तो द नंबर ऑफ के बाद हम क्या करते हैं, द नंबर ऑफ के बाद जो होता है वर्ब क्या होता है, हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। ये चीज़ आप नोटिस कर लीजिएगा, ए नंबर ऑफ के बाद और द नंबर ऑफ के बाद। तो ए नंबर ऑफ के बाद मैंने क्या बताया कि जो नाउन होंगे वो क्या होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब डिफाइन होंगे। द नंबर ऑफ के बाद जो होंगे वर्ब हमेशा सिंगुलर होंगे, है ना। चलिए, तो ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में हमेशा एक क्वेश्चन आता है। ए नंबर ऑफ जैसे आप देखेंगे, आप सीधे वर्ब को क्या करेंगे, प्लूरल करेंगे। जहाँ द नंबर ऑफ के बाद देखेंगे, आप वर्ब को क्या करेंगे, सिंगुलर कर देंगे, ठीक है। हालांकि कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जो कि आपको यहाँ पता चल रहा है, जैसे कि ये सेंटेंस में दोनों रूल पे डिपेंड नहीं था, बल्कि ये अपने आप में एक सब्जेक्ट जो था सिंगुलर था। उसी तरह से कुछ और भी वर्ड होते हैं जो कि आपको देखने में वो क्या होते हैं, पेयर में होते हैं और प्लूरल होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं ग्लासेस का, ठीक है, अगर हम बात करें शूज़ का, है ना, अगर हम बात करें सीजर का, ठीक है, एग्जाम्पल में देख रहा, तो सीजर्स का, तो इनके साथ क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है वर्ब, क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है, है ना। लेकिन अगर इसके पहले ए पेयर ऑफ लग जाए ना, ए पेयर ऑफ लग जाए, तब कंडीशन चेंज हो जाता है, वर्ब क्या होगा, वो सिंगुलर हो जाएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। तो मैंने अभी दो रूल आपको सिखाया, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बारे में बताया कि ए नंबर ऑफ जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक इनडेफिनिट नंबर या क्वान्टिटी होते हैं और ऑफ प्लस नाउन से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे इसमें भी ऑफ नाउन कनेक्ट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो होते हैं, नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब डिफाइन होते हैं, है ना। लेकिन बहुत सारे केसेस में ध्यान रखिए, ए नंबर ऑफ के साथ सीधे हम क्या करेंगे, वर्ब को हम क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे, द नंबर ऑफ के साथ हम सिंगुलर बनाएंगे, और सब्जेक्ट कई बार सेंटेंस में पता नहीं चलेगा कि वो दोनों में से कौन रूल पे बेस्ड है, तो आपको खुद से पता करना पड़ेगा, ये पार्सल ऑफ बुक्स, पार्सल की बात हो रही है ना, एक पार्सल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमने हैज़ का यूज़ किया, ठीक है। चलिए, अब आते हैं आई विश, जैसे ही आई विश दिखे, इससे पता चल जाएगा कि ये क्या है, आपका एक कोरी कल्पना है जिसकी पूर्ति वो भविष्य में संभव नहीं है, ठीक है। जब ऐसे चीज़ होंगे आपके सेंटेंस में, तो सीधे आई विश के साथ आप क्या करेंगे, वो आपको हमेशा प्लूरल करेंगे, ठीक है, वो आपको क्या करेंगे, हमेशा प्लूरल करेंगे, है ना। हालांकि आई विश के साथ और भी होता है, बट जैसे कि आप नोट कर सकते हैं, जैसे आई विश के साथ, आई विश के अलावा और भी होते हैं, जैसे कि आप नोट कर सकते हैं, एज़ इफ़ भी होता है, इफ़ भी होता है, या फिर एज़ दाउ भी होता है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में अगर आपको कहीं भी दिखे, ठीक है, एज इफ़ दिखे, इफ़ दिखे, एज दाउ दिखे, आई विश दिखे, एक कोरी कल्पना होता है और उसमें आप सीधे वर्ब प्लूरल लगाएंगे, ठीक है। अब आते हैं स्वीट डैश द यूजर्स ऑफ एडवर्ब सिटी। तो क्या है स्वीट, क्या है यहाँ पे, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एडजेक्टिव के साथ हम क्या करेंगे, वर्ब को हम कैसा फॉर्मेट में लिखेंगे, वर्ब को प्लूरल फॉर्मेट में लिखेंगे। मीन्स की स्वीट आर द यूजर्स ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है। हालांकि इसका एक कॉम्बिनेशन और भी होता है, द प्लस एडजेक्टिव के साथ भी हम क्या करते हैं, वर्ब को हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। चलिए, फिर है कि व्हाट आई से एंड डू डैश इजी टू अंडरस्टैंड।
फिर ध्यान रखें एंड से अगर दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो, ठीक है, एंड से अगर दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो तो तब हम क्या करते हैं, तब हम करते हैं आर का यूज़ करते हैं, मीन्स की प्लोरल वर्ब का यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। व्हाट आई से एंड डू आर इजी टू अंडरस्टैंड, क्लियर। कुछ नोट कर लीजिए, जैसे कि मीजल्स हो गए, ठीक है, फिजिक्स हो गए। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं देखने में तो आपको लगेंगे कि लास्ट में ये क्या है भाई, एस लगाओ प्लोरल है, उसके साथ प्लोरल वर्ब का यूज़ करेंगे, नहीं, उसके साथ हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, जिसमें कि पॉलिटिक्स भी आता है, ठीक है। मीजल्स हो गए, फिजिक्स हो गए, जैसे विषय का नाम हो गया, बीमारी का नाम हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इसके साथ हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट हाउसेज विच डैज बीन बिल्ट इन दिस टाउन। देखिए सेंटेंस ऐसी पड़ेगी, क्या विच क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है ना, रिलेटिव ये प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो सब्जेक्ट होंगे, जो पहले नाउन या प्रोनाउन होंगे, उनके अकॉर्डिंग या वर्ब फिल होगा। दिस इज़ अ वन ऑफ द फाइनेस्ट हाउसेस, ये क्या है, प्लोरल है ना, तो प्लोरल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं, है ना। हाउसेज विच हैव बीन बिल्ट इन हाउस इन दिस टाउन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑफ द फोर प्रिजनर्स एवरी वन डैश एस्केप्ड, एवरी वन रहे, ठीक है, एवरी वन जैसे ही दिखे उसके साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, एवरी वन हैज़ होगा, ठीक है, एवरी वन हो, ईच हो, एवरी हो, ठीक है। तो ऐसे जब भी वर्ड आपको देखे सेंटेंस में तो उनके साथ जो होता है वर्ब क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है, क्लियर। चलिए तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, एवरी वन हो गया, एनी वन हो गया, आइदर, नाइदर, वन, समवन, नोबडी, समबडी, कुछ भी रहे उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल इन वाटर डैश नॉट मिक्स, ठीक है, यहाँ पे अब क्या करना है, सिंगुलर लगाना है वर्ब या प्लूरल लगाना है, ठीक है, क्या होगा, वाइल एंड वाटर, ठीक है, एंड से दो जो है नाउन जुड़े हुए हैं, है ना, तो क्या मैंने बताया कि एंड से जब दो नाउन जुड़े होंगे तो वो क्या होता है, प्लूरल बन जाता है ना, उसके साथ प्लूरल का यूज़ होता है। लेकिन अगर दोनों से एक का पता चले, एक ही चीज़ का पता चले तो सिंगुलर का होता है, लेकिन यहाँ पे एंड से जब दो नाउन जुड़े हैं तो दोनों अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, वाइल एंड वाटर, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, दो के लिए हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, तो प्लूरल के लिए हमें डू का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, डू, वाइल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड डैश गिवन फूड, मैंने बताया था कि एवरी, चाहे वो यहाँ पे मैन, वुमेन, चाइल्ड जो भी हो, उसके अगर पहले अगर एवरी आ गया, ईच, एवरी आ गया, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, वर्ब को हमेशा सिंगुलर रखेंगे, ठीक है, मैंने अभी बताया था ईच हो, एवरी हो, है ना, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, राम रादर देन अदर्स, है ना, राम रादर देन अदर्स डैश गिल्टी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे आपका जो सिंगुलर वर्ब होगा या प्लूरल होगा, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे इज़, ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे राम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, यदि जो यहाँ पे बात, अगर सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट के बाद क्या है, अपोजिशन आ जाए, ठीक है, अपोजिशन का यूज़ हो, तो वर्ब क्या होगा, अपोजिशन के पहले जो होता है ना, इस अपोजिशन के पहले जो सब्जेक्ट होता है ना, नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वर्ब होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स हु डैज बीन सेलेक्टेड, अब देखिए हु है, ठीक है, हु के पहले क्या है, यहाँ पे प्लेयर्स क्या है, प्लोरल है, रिलेटिव प्रोनाउन है ना, और उसके पहले क्या है, यहाँ पे प्लेयर्स प्लोरल है, तो प्लोरल के साथ प्लोरल वर्ब का यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे हैव का यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, आइदर सी और आई, ध्यान रखिए एक और रूल है, आइदर और के साथ अगर सेंटेंस जुड़ा हो तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग हो, आइदर के अकॉर्डिंग हो कि और के अकॉर्डिंग हो, तो आपका जो ये होगा, ये आपका और के अकॉर्डिंग होगा, है ना, किसके अकॉर्डिंग हो, और के मीन्स की जो और के जो नज़दीक जो सब्जेक्ट होंगे ना, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर होगा, होगा वर्ब, तो आई के साथ क्या यूज़ करते हैं, आई के साथ हैव का यूज़ करते हैं, करेक्ट आंसर हैव होगा, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, द पब्लिक डैश रिक्वेस्ट नॉट टू वॉक ऑन द ग्रास, अब देखिए पब्लिक है, तो पब्लिक के साथ इज होगा कि आर होगा, कन्फ्यूज़न है, तो पब्लिक नोट कर लीजिए, पब्लिक की बात हो, है ना, एक तो पब्लिक हो गया, आगे बढ़ते हैं, पब्लिक के साथ और भी वर्ड, बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे कि आप पब्लिक के साथ पीपल, पीपल नोट कर सकते हैं, पीपल हो गए, पुलिस हो गया, ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्ड जो हमेशा ये प्लूरल में होते, ध्यान रखिए हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल में होते, तो प्लूरल अगर हैं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, मीन्स की आर का यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द नोट्रियस डकैत विद ऑल हिज फॉलोअर्स, देखिए विद के साथ कनेक्ट है ना, जब ध्यान रखिएगा
यहाँ पे जब दो सब्जेक्ट विद से कनेक्ट हो, ठीक है, एलॉन्ग विद से कनेक्ट हो, ठीक, टुगेदर विद से कनेक्ट हो, तो अब बताइए वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा। तो एक वर्ब जो होगा इसके पहले जो सब्जेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग होगा, मींस कि द नोटरियस डकैत हैज़, ठीक है, हैज़ होगा यहाँ पे विद हिज फॉलोअर्स हैज़ एस्केप्ड, क्लियर। तो अलॉन्ग विद एक नया और भी वर्ड ऐड कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा कि अलॉन्ग विद अगर विद की जगह अलॉन्ग विद होता, टुगेदर विद होता, तब भी हम वही करते हैं, उसके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, बहुत बार ऐसे सीखे, तो एग्जाम में पूछा गया मैंने ए के बाद, या बैंकिंग के एग्जाम में पूछा गया सर नो डाउट, मैंने ए मैन डैस वॉकिंग, तो मैंने ए जैसे दिखे, ठीक है, मैंने ए दिखे, या फिर अगर मैंने एन दिखे, ठीक है, तो इसके बाद जो भी होगा नाउन हो या वर्ब हो हमेशा क्या होगा, सिमिलर ही होगा, ठीक है, हमेशा क्या होगा, सिमिलर होगा। तो देख रहे मैंने ए के बाद भी यहाँ पे नाउन क्या सिमिलर है, तो वर्ब भी क्या होगा यहाँ पे सिमिलर होगा, मीन्स कि वॉज होगा, ठीक है, वॉज होगा। चलिए नेक्स्ट, 2 मीटर्स, अब आते हैं यहाँ पे 2 मीटर्स की बात करते हैं। तो देखिए 2 मीटर्स में क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमेशा यहाँ पे सिमिलर वर्ब का यूज़ होगा, ठीक है, 2 मीटर्स इज होगा। अब ऐसा क्यों, तो ध्यान रखिएगा अगर वाक्य का जो सब्जेक्ट है ऐसे नाउन है जिससे निश्चित दूरी, ठीक है, निश्चित क्या है, एक निश्चित, ठीक है, निश्चित दूरी हो, रकम हो, वजन हो, ठीक है, दूरी, रकम, वजन या मात्रा, ठीक है, हो, तो ऐसे में क्या होगा, प्लूरल रहने पर भी, ठीक है, ये देखने से अगर ये प्लूरल रहने पर भी सब्जेक्ट प्लूरल है फिर भी क्या होगा ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है फिर भी क्या होगा, वर्ब जो होगा ना हमेशा सिंगुलर होगा, ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आइदर द बॉयज़ और द टीचर, मैंने अभी बताया कि आइदर और का कंडीशन क्या होता है, आइदर और के साथ जब जुड़ा हो तो किसके अकॉर्डिंग होता है वर्ब, ये और के बाद जो सब्जेक्ट आता है इसके अकॉर्डिंग होता है, तो द टीचर के साथ क्या होगा, टीचर, तो यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, इज होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नाइदर ऑफ द सिस्टर्स, मैंने अभी बताया कि नाइदर रहे सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट नाइदर हो, ठीक है, नाइदर हो, आइदर हो, इच हो, एवरी हो, है ना, ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि और भी हैं नोट कर सकते हैं, आइदर एनी वन, नो वन, सम वन, ठीक है, तो उसके साथ क्या होगा, वर्ब क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा, मीन्स कि वॉज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द सम एंड द सब्सटेंस, द सम एंड सब्सटेंस, ठीक है, द सम एंड सब्सटेंस, तो देखिए अगर द सम लिखा एंड सब्सटेंस लिखा तो ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, एक ही चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो एक ही चीज़ के बारे में बात करें तो ये क्या होगा, ये दोनों से एक ही चीज़ का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सिमिलर वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर द सम के साथ अगर एंड के बाद द सब्सटेंस भी ऐड होता है, तो देखिए द और द दोनों जगह आ गया, एंड के बाद भी और एंड से पहले भी, तो दो अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है, जब दो अलग अलग चीज़ें बताएंगे तो वर्ब प्लूरल होगा, लेकिन एंड से पहले और एंड के बाद अगर दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो, दोनों में से सिर्फ एक के पहले द होता है, मीन्स कि पहले वाले के साथ द होता है, तो वो एक ही चीज़ का बात बताता है, इट्स सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, माई पेरेंट्स एज वेल एज आई, मैंने अभी बताया था एज वेल एज से कनेक्ट हो, ठीक है, विद से कनेक्ट हो या टुगेदर विद से कनेक्ट हो, है ना, विद हो या टुगेदर विद हो, एज वेल एज हो, ठीक, तो ऐसे जो होते हैं यहाँ पे ध्यान रखिए, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में वर्ब किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, है ना, तो ऐसे में वर्ब जो रखेंगे उसके अकॉर्डिंग रखेंगे, मीन्स कि पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, माय पेरेंट्स के साथ क्या होगा, माय पेरेंट्स के साथ वर्ब होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है तो इसी के अकॉर्डिंग ये प्लूरल होगा, तो ध्यान रखिए एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, ऐसे अगर कनेक्ट, ऐसे जो दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो तो उनके साथ जो वर्ब उनके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज सर्वेंट ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट, अब देखिए नॉट ओनली और बट ऑल्सो, नॉट ओनली और बट ऑल्सो से अगर कनेक्ट सेंटेंस कनेक्ट हो तो किसके अकॉर्डिंग होता है वर्ब, किसके अकॉर्डिंग होता है, तो बट ऑल्सो के बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, तो हिज सर्वेंट क्या है यहाँ पे सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे ना, वॉज का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट आते हैं द नंबर ऑफ। मैंने अभी सिखाया था द नंबर ऑफ ऑफ देखे तो बस आप क्या करेंगे, द नंबर ऑफ के साथ वर्ब जो होगा वो सिंगुलर हो जाएगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। द नंबर ऑफ द पर्सन वॉज होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ए नंबर ऑफ होता, ए नंबर ऑफ होता तब क्या करते हैं, वर्ब हम प्लूरल लगाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या, थ्री फोर्थ ऑफ द बुक, थ्री फोर्थ, जैसे यहाँ पे थ्री फोर्थ से क्या पता चल रहा है, एक इनडेफिनिट, इनडेफिनिट डेफिनिट क्वांटिटी का पता चल रहा है, इनडेफिनिट नंबर का पता चल रहा है या क्वांटिटी का पता चल रहा है ना। ऐसे में जो वर्ब होते हैं किसके अकॉर्डिंग होते हैं, वर्ब जो होते हैं ना वो होते हैं इसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होते हैं। और सिर्फ ये थ्री फोर्थ की बात नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत सारे वर्ड है, जैसे थ्री फोर्थ के बाद आप नोट कर सकते, सम ऑफ भी होता है ना, उसके बाद ए लॉट ऑफ भी होता है, ए लॉट ऑफ भी होता है, हाफ ऑफ भी होता है, हाफ ऑफ, थ्री फोर्थ, ऐसे बहुत सारे जो यहाँ पे मैंने इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी बताए हैं उनके बाद जो आते हैं ना सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब होता है, मीन्स कि द बुक के साथ हैज़ होगा, ठीक है, हैज़ होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या, द टीथ ऑफ द बॉय, द टीथ ऑफ द बॉय, तो देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना टीथ क्या, ये प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, द टीथ ऑफ द बॉय बॉय आर वाइट, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिए सब्जेक्ट कौन है, टीथ है ना कि बॉय है, क्लियर। अब आते द पार्लियामेंट डैश टेकन इट्स डिसीजन, तो पार्लियामेंट के साथ हैव होगा, हैज़ होगा, इट्स देख रहे हैं ना, इट्स से पता चल गया ये तो सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, मीन्स कि यहाँ पे हैज़ होगा, ठीक है। ऐसे और भी हैं जैसे कि पार्लियामेंट के बाद अगर बात करें गवर्नमेंट हो गया, ज्यूरी हो गया, है ना, कमिटी हो गया, ऐसे कुछ वर्ड जो हैं जैसे बोर्ड हो गया, स्टाफ हो गया, ठीक है, ऐसे जो वर्ड है ना इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर सकते हैं या प्लूरल दोनों में भी करते हैं, वो सेंटेंस के आपके फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग होगा। अब यहाँ पे सेंटेंस के अगर फॉर्मेशन की बात करते हो तो इट से पता चलता था ये सिंगुलर है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब का मैंने यूज़ यहाँ पे किया, क्लियर। चलिए आते 26 में, नन ऑफ अस डैश मनी, नन ऑफ, ठीक है, जहाँ पे नन की बात हो रही, नन ऑफ, तो अभी मैंने बताया था ये क्या है, इनडेफिनिट, अभी मैंने बताया था ना इनडेफिनिट क्वांटिटी या नंबर हो तो इसके बाद जो होता है आने वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब होगा। अस से क्या पता चल रहा है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम क्या करेंगे, प्लूरल के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हैव का, ठीक है, हैव मनी। चलिए नेक्स्ट, द फिलोसफर एंड एंड स्कॉलर, देखिए द फिलोसफर एंड स्कॉलर, एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, एक के पहले तो द है लेकिन दूसरे का पहले द नहीं है, तो ये दोनों अपने आप एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है कि वही व्यक्ति है जो फिलोसोफर भी था और स्कॉलर भी था, तो इसके लिए सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर, सॉरी वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, मीन्स कि इज डेड होगा, ठीक है। चलिए ब्रेड एंड बटर, जैसे मैंने बताया ब्रेड एंड बटर से पता चल रहा है एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं और दोनों से एक ही चीज़ का पता चलता है, तो हम सब्जेक्ट वर्ब क्या करते हैं, सिंगुलर का यूज़ करते हैं, इज होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या, ही डैश नॉट गो देयर, तो ही के साथ क्या होगा, यहाँ डेड होगा या डेड्स होगा, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको, ठीक है, अगर आप यहाँ पे अगर जो है मॉडल वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर आप डेयर को या नीड को आप क्या करते हैं, मॉडल वर्ब की तरह अगर यूज़ करते हैं तो क्या होगा, थर्ड पर्सन सिमिलर नंबर के साथ भी क्या होगा, आप यहाँ पे डेयर्स नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, डेयर लगाएंगे, डेयर नॉट, ही डेयर नॉट गो देयर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, ऐसे ये डेयर में नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगर आप डेयर या नीड का यूज़ कैसे करते हैं, प्रिंसिपल वर्ब की तरह करते हैं ना, जैसे गो हो गया, इच हो गया, तब आप उसमें एस या इस लगा सकते हैं, ठीक है, वरना अगर आप इसको क्या करें, मॉडल वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके साथ एस नहीं लगाएंगे, मीन्स डेयर होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, नाइदर ऑफ द स्टोरीज डैश इंटरेस्टिंग, मैंने सेंटेंस के पहले में बताया कि सेंटेंस अगर स्टार्ट हो नाइदर से, आइदर से, इच से, एवरी से, तो वर्ब क्या होगा, हमेशा सिमिलर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, और से कनेक्ट है, और से क्या कनेक्ट है, दो सब्जेक्ट कनेक्ट है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, तो और के नज़दीक वाले जो होते हैं सब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग ही वर्ब होगा, तो यू के साथ क्या होता है, आर का यूज़ होता है ना। चलिए
नेक्स्ट क्या है, मोर देन वन। मोर देन वन के बाद वर्ब हमेशा क्या होगा, सिमिलर होगा। नोट कर लीजिएगा, मोर देन वन के बाद वर्ब जो होगा हमेशा क्या होगा, वर्ब हमेशा सिमिलर होगा। चलिए, माई फ्रेंड एज वेल एज माई सेल्फ। एज वेल एज से मैंने बताया था कि एज वेल एज से कनेक्ट हो, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग होगा। माई फ्रेंड के यहाँ पे यार सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, वॉज होगा। क्लियर। चलिए, ऑल फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, ये हमेशा सिंगुलर में होते हैं, ठीक है, और भी होते हैं, ऐसा नहीं, न्यूज़ भी होता है। नोट कर लीजिएगा, फर्नीचर हो गया, न्यूज़ हो गया, स्किनरी हो गया, मतलब सीनरी हो गया, ठीक है, लगेज हो गया, बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन है, लगेज हो गया, नॉलेज हो गया, ठीक है, नॉलेज हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, म्यूज़िक हो गया, मनी हो गया, ठीक है। ऐसे जितने भी वर्ड मैंने बताए सभी क्या है, हमेशा सिमिलर होते हैं, और उनके साथ क्या होता है, सिमिलर वर्ब का यूज़ होता है, मीन्स यूज़ होगा यहाँ पे। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट ए नंबर ऑफ। मैंने अभी बताया ए नंबर ऑफ, जैसे देखेगा वर्ब का जो फॉर्म, वर्ब का जो होगा फॉर्म क्या होगा, वो प्लूरल का सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा तो वो होगा प्लूरल, ठीक है, ए नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल लगाते हैं। और मैंने अभी बताया ए नंबर ऑफ क्या, इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी बताते हैं, और उसके बाद जो नाम होते हैं उसके अकॉर्डिंग होते हैं, तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं कि बॉयज़ क्या प्लूरल, प्लूरल के लिए हम आर का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, हाफ ऑफ द मैंगो। मैंने बताया हाफ ऑफ हो गया, ए नंबर ऑफ हो गया, है ना, थ्री फोर्थ हो गया, थ्री फोर्थ ऑफ हो गया, ठीक है। तो ऐसे जितने भी इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी, इनके बाद वाले नाउन के अनुसार ही वर्ब होते हैं, तो हाफ ऑफ के बाद जब द मैंगो देखते हैं, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, है ना, इज का यूज़ करेंगे। चलिए, यू आर द पर्सन हु डैश हेल्प मी। हु क्या रिलेटिव यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो द पर्सन है ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे ना, हेल्प्स की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है, नाइदर द मून नॉर द स्टार्स। देखिए, नाइदर और नॉर की बात हुई, नाइदर नॉर से कनेक्ट हो तो किसके अकॉर्डिंग होता है वर्ब, तो नॉर के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग, तो स्टार्स यहाँ पे है, द स्टार्स की बात की गई है, ठीक है। तो इसमें क्या यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वर्ब का यूज़ करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है द हाउस विद ऑल इट्स बिलोंगिंग। मैंने फिर बताया था विद या टुगेदर विद के साथ कनेक्ट हो तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होता है, इसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है, विद या विद, विद के साथ मैंने क्या बताया था, विद होता है, टुगेदर विद होता है ना, ऐसे भी मैं बताया था ना, विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, और क्या मैंने बताया था, एज वेल एज हो गया, अलॉन्ग विद हो गया, इन एडिशन टू हो गया, लाइक हो गया, अनलाइक हो गया, बट हो गया। तो जब भी कनेक्ट हो दो सब्जेक्ट तो किसके अकॉर्डिंग होगा, इसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा, द हाउस के साथ वॉज का होगा यूज, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्या, ही ऑर्डर्ड एज इफ़, जैसे एज इफ़ दिख जाए, ठीक है, ये क्या है, या इफ़ दिख जाए, या एज दाव दिख जाए, ठीक है, तो हम सीधे क्या करेंगे, वर्ब हमेशा प्लूरल यूज़ करेंगे, क्योंकि ये कोरी कल्पना की बात हो रही है, ठीक है, कोरी कल्पना की अभिलाषा की बात हो रही है। चलिए, देखिए 41 में क्या होगा, इसमें सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, तो मैंने क्या बताया, द प्लस सब्जेक्ट, सॉरी द प्लस एडजेक्टिव रहे, तो यंग क्या एडजेक्टिव है, तो इसके साथ जो वर्ब होगा क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है, वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ दिस वर्क डैश स्टिल फिनिश्ड। अभी मैंने बताया द पार्ट ऑफ, द पार्ट्स ऑफ, ठीक है, चाहे द पार्ट्स ऑफ हो, थ्री फोर्थ हो, थ्री फोर्थ ऑफ हो, मैंने बताया था बहुत सारे ऐसे वर्ड जो इनडेफिनिट नंबर होते हैं, ए नंबर ऑफ हो, ए लॉट ऑफ हो, प्लेंटी ऑफ हो, मोस्ट ऑफ हो, सम ऑफ हो, हाफ ऑफ हो, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, या नन ऑफ हो, तो किसके अकॉर्डिंग होता है, इसके अकॉर्डिंग होता है वर्ब, दिस वर्क इज होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हिज मीन्स डैश एक्सट्रीमली पुअर। हिज मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आंसर होगा हिज मीन्स आर, ठीक है, हिज मीन्स के साथ क्या होगा, आस, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली पुअर, ठीक है, मीन्स यहाँ पे देख ले प्लूरल है, प्लूरल फॉर्मेशन में यहाँ पे होगा ये। नेक्स्ट, आइदर ऑफ द गर्ल्स कम। मैंने बताया ईच हो, एवरी हो, आइदर और नाइदर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़ का यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, ठीक है, हैज आइदर ऑफ द गर्ल्स कम, ईच एवरी आइदर नाइदर के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर फॉर्मेट में होता है, ठीक है। जैसे इसके बाद वाले देख लिख लीजिए क्वेश्चन, आइदर ऑफ द स्टेप, आइदर से शुरू हुआ है, हम क्या करेंगे, इज का यूज़ करेंगे ना, आइदर ऑफ द स्टेप्स इज, हालांकि यहाँ पे देखने से लगेगा कि स्टेप्स के साथ हम लगाएंगे प्लूरल, गलत बात, सब्जेक्ट का पहला, सब्जेक्ट का फर्स्ट
मीन्स सेंटेंस का फर्स्ट सब्जेक्ट जो होता है, मीन्स की सेंटेंस का पहला सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या, मोर सोल्डर्स दैन वन, ठीक है, मोर भी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, मोर के साथ प्लूरल नाउन हो गया, नोट के लिए जब बहुत इंपॉर्टेंट, मोर हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, प्लस दैन हो वन हो गया, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल के यूज़ करेंगे, यहाँ पे वर्ब होगा, ठीक है, प्लूरल होगा। चलिए नेक्स्ट, नथिंग बट ट्रीज, नथिंग बट के साथ, ध्यान रखिएगा, नथिंग बट के साथ, के साथ नोट के लिए नाउन सिंगुलर हो, ठीक है, नाउन जो होगा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, नाउन कुछ भी हो, वर्ब क्या होगा हमेशा, वर्ब हमेशा जो होगा सिंगुलर होगा, ठीक है, वॉज होगा। चलिए 48 में आते हैं, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट बीन रिटन, ठीक है, तो दैट यहाँ पे क्या है, फिर से मैं बताया, यहाँ पे जो है प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो बुक्स है वो है प्लूरल, और प्लूरल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, तो बुक्स हैव बीन रिटन, ठीक है, बुक्स हैव बीन रिटन। चलिए नेक्स्ट क्या है, आर ओनली गाइड, आर ओनली गाइड वॉज होगा कि वह होगा, आर ओनली गाइड यहाँ पे जो होगा 49 में वो होगा आपका यहाँ पे वॉज, ठीक है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आर क्या है यहाँ पे, ठीक है, आर की अगर हम बात यहाँ करें तो यह एक फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या होता है यहाँ पे, हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं ना। चलिए नेक्स्ट है कि यहाँ पे द लाइट ऑफ दीज लैम्प डैश वेरी ब्राइट, तो देखिए दीज लैम्प नहीं, ऑफ के पहले कनेक्ट, ऑफ से कंजंक्शन जो, सॉरी प्रीपोजिशन ऑफ है उसके पहले वाले, देखिए सब्जेक्ट जो है यहाँ पे क्या है, द लाइट क्या है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। गाइज यहाँ पे टोटल 50 मैंने क्वेश्चन बताए, और 50 क्वेश्चन में यहाँ काफ़ी सारे रूल थे, कम से कम 25 प्लस इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल शामिल थे। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप लोग नए हैं या जो पुराने हो, पुराने तो ठीक है, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन जो कि कई बार आपके एग्जाम में आते हैं, और देखते हैं 2 सेकंड में आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, है ना, तो आइए फटाफट वो देखते हैं सारे प्रीपोजिशन। पहला यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, ही डाइड डैश कॉलरा, देखने को क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही काम का, सीखने की चीज़ें। अब देखिए एक चीज़, डाइड के साथ दो चीज़ होता है, एक तो डाई, डाई के साथ ऑफ भी होता है, एक डाई के साथ क्या होता है, फ्रॉम भी होता है ना, डाई के साथ ऑफ भी होता है और डाई के साथ फ्रॉम भी होता है। ऑफ कब होता है, जब अगर कोई व्यक्ति डिजीज से, ठीक है, कोई डिजीज से मरता हो तो उसे हम डाई ऑफ वहाँ पे लगाते हैं। अगर कोई किसी कारण से, सम काउज, कोई कारण से अगर मरता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, डाई फ्रॉम लगाते हैं, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन आप क्या देख रहे हैं, ही डाइड ऑफ कॉलरा, कॉलरा क्या है, एक डिजीज़ है ना, क्या है, एक डिजीज है, डिजीज के लिए मैंने क्या बताया, ऑफ प्रीपोजिशन लगाएंगे, है ना, तो यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे, ही डाइड ऑफ कॉलरा, ठीक। चलिए अब क्या है, कम एंड सीट विद मी होगा, ठीक है, कम एंड सीट विद मी, फिक्स प्रीपोजिशन में जो होगा विद यहाँ पे फिल होगा, ठीक, तो यहाँ पे कम एंड सीट, सीट विद मी, साथ में, ठीक है, जब बात साथ की हो तो वहाँ पे विद का यूज़ करेंगे, खासकर अगर सीट बैठने के सेंस में हो तो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें रूल सीखेंगे आप, पहले तो आप समझ लीजिए डील, ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ, डील एक होता है इन, ठीक है, और एक होता है डील विद, तो दोनों में फ़र्क क्या है भाई, ठीक है, डील इन मतलब क्या होता है, ट्रेड इन, मीन्स कि कोई व्यापार के सेंस में, और डील विद का मतलब क्या होता है, कोई मैटर पे या कोई व्यवहार के सेंस में, है ना, कोई पर्सन के साथ, और पर्सन मीन्स कि एक पर्सन के लिए यहाँ पे यूज़ होगा या कोई मैटर के लिए यूज़ होगा, पर्सन या मैटर के लिए हम डील विद का यूज़ करेंगे, और अगर हम व्यापार की बात करते हैं तो डील इन का होगा। तो सोहन डील्स क्या करता है, राइस एंड अदर ग्रेन्स, तो राइस और चावल इसका क्या करेगा, यहाँ पे ये व्यापार करेगा, ठीक है, इन यहाँ पे इसका करेक्ट प्रीपोजिशन होगा। नेक्स्ट है क्या, आई प्रीफर मिल्क डैश टी, अब मैंने कितनी बार आपको सिखाया कि प्रीफर के साथ क्या होता है, फिक्स प्रीपोजिशन टू होता है, ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन टू होगा, ठीक है, प्रीफर टू हो गया, सुपीरियर टू हो गया, सीनियर टू हो गया, प्रायर टू हो गया, इस तरह से हमेशा इन सभी के साथ
टू फिक्स प्रीपोजिशन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। पहले तो यहाँ पे इन का मतलब समझिए और एक इन टू का मतलब समझिए। इन का मतलब तो अंदर होता है, लेकिन क्या होता है वो स्थिर होना चाहिए। वो चीज़ क्या है, स्थिर होना चाहिए। और ये क्या होता है, इन टू मतलब किसी चीज़ में ही होता है, लेकिन वो गति के सेंस में होता है। ठीक है, वो गति के सेंस में होता है। अब देखिए, सम रॉबर्स ब्रोक डैश माई हाउस, इन हाउस या इन टू माई हाउस। तो ब्रोक के साथ क्या होगा, इन टू मीन्स कि तोड़ कर अंदर घुस आए। एक स्पीड यहाँ पे पता चल, एक गति की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि वो अंदर है और कोई व्यक्ति अंदर है और वो स्थिर बैठा है या लेटा है, जो भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर बात करें, कोई चीज़ गति में हो रहा है, मोशन में हो रहा है, तब मोशन के सेंस में हम इनटू का यूज़ करते हैं। सम रॉबर्ट ब्रोक इनटू माय हाउस, ठीक है। ब्रोक इनटू का मतलब होता है तोड़ कर घुसाना। चलिए नेक्स्ट क्या है, यू शुड गिव डैश स्मोकिंग। तो ध्यान रखिएगा, गिव के साथ होगा यहाँ पे अप होगा, क्योंकि गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। छोड़ देना क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। तो यहाँ पे गिव के साथ क्या होगा, अप। यू शुड गिव अप स्मोकिंग, है ना। याद रखिए, गिव के साथ यहाँ पे अप हमेशा यूज़ करेंगे, इन नहीं। ही अनवाइल्ड व्हाट डैश मी, ठीक है। यहाँ पे ही अनवाइल्ड डैश मी क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए, विद आना चाहिए, ठीक। तो अनवाइल्ड के साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन विद का यूज़ करते हैं। ही अनवाइल्ड विद मी। नेक्स्ट, ही वॉज फाउंड गिल्टी डैश थेप्ट, ठीक है। ही वॉज फाउंड गिल्टी डैश थेप्ट। अब यहाँ पे विद होगा कि ऑफ होगा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑफ लगाएंगे। गिल्टी के साथ हम क्या प्रीपोजिशन लगाते हैं, ऑफ। ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ थेप्ट मीन्स कि कोई चीज़ कोई बंदा चुरा लिया और उसे अब उस चोरी का एहसास होता है, उस चोरी की गलती की उसे गिल्टी फील होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आई अग्री। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट, आई अग्री के साथ क्या होता है, आई अग्री के साथ यहाँ पे विद होगा, ठीक है। आई अग्री के साथ यहाँ तो विद होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, अब कब कब एग्री के साथ विद होता है, कब, जब पर्सन की बात हो, ठीक है। और भी होता है यार, इसलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अग्री के साथ ऑन भी होता है। अग्री ऑन, अग्री ऑन कब होगा, कोई पॉइंट पर अगर बातें हो तो, ठीक है, कोई पॉइंट पर बातें हो तो। और एक और होता है अग्री, ठीक है, एक और होता है अग्री टू। ये किस कब लगता है, व्यू के लिए, जब व्यूज़ हो, कोई आपकी आपका कोई विचार हो, तब वहाँ पे अग्री टू, अग्री ऑन होता है किसी बात पर, कोई पॉइंट पर, और अग्री विद मीन्स कि कोई पर्सन पर, ठीक है। चलिए यहाँ तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वी शुड टेक केयर, टेक केयर ऑफ होता है, ठीक है, टेक केयर फॉर नहीं होता, टेक केयर ऑफ होता है। टेक केयर ऑफ का मतलब देखभाल करना, ठीक है। वी शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, हम यहाँ पे हम लोग आपके हेल्थ का यहाँ पे टेक केयर करेंगे, देखभाल करेंगे, ठीक है। तो टेक केयर के साथ हमेशा ऑफ का प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, वी शैल ट्रैवल डैश ट्रेन, विद ट्रेन, बाय ट्रेन, ठीक है। तो ध्यान रखिए, कोई भी अगर आप ट्रैवल करते हैं ट्रेन से या बस से या स्कूटर से, इस तरह से, ठीक है, कोई व्हीकल हो, तब आप वहाँ पे क्या करते हैं, बाय का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर यही होता फुट होता, ऑन फुट, तब हम क्या करते हैं, ऑन फुट, ठीक है। जब पैदल चलने की बात होता है तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन के तौर पर ऑन लगाते हैं, लेकिन कोई व्हीकल से हम जाते हैं तब वहाँ पे बाय का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या, ही फेल्ट पीटी डैश पुअर, पीटी, और यहाँ पे पीटी के साथ जो होता है, पीटी के साथ हमेशा जो होता है प्रीपोजिशन फॉर होता है। ही फेल्ट पीटी फॉर द पुअर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, आई एम सीनियर डैश यू। अब मैंने बताया था, सीनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, प्रिफर हो गया, इनके साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन क्या आते हैं, टू आते हैं, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, सुपीरियर, सीनियर, प्रेफर, इनके साथ हमेशा टू आते हैं। नेक्स्ट है, सी हैज़ नो टेस्ट डैश म्यूजिक। तो टेस्ट के साथ यहाँ पे जो होगा फॉर होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई खाने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे म्यूज़िक को टेस्ट करना कि मीन्स क्या, फील करना, ठीक है, या फिर उसको टेस्ट मतलब फील तो नहीं कर सकते, यहाँ पे इंटरेस्ट के सेंस में हो सकता है, ठीक है। इंटरेस्ट कि मीन्स उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं म्यूज़िक में, सी हैज़ नो टेस्ट या सी हैज़ नो इंटरेस्ट फॉर म्यूज़िक, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, वॉन के बारे में मैं बताऊँगा, वॉन इन बहुत सा होता है। एक तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, बॉर्न ऑफ होता है ना, बॉर्न टू होता है, बॉर्न टू होता है। तो बॉर्न ऑफ कब होता है, जब पेरेंट्स की बात हो, कोई पेरेंट्स से अगर बॉर्न होने की बात हो तो वहाँ पे बॉर्न ऑफ लगाते हैं। अच्छा, बॉर्न टू कब लगाते हैं, तो बॉर्न टू लगाते हैं कब, जब ये पैसिव फॉर्म में हो, पैसिव वॉइस में हो, ठीक है। एक होता है बॉर्न इन,
तो बॉर्न यहाँ पे आई वॉज बॉर्न इन होगा। बॉर्न इन का मतलब कि कोई प्लेस की बात हो या फिर कोई तारीख या कोई ईस्वी में बात हो तब वहाँ पे हम लोग कहते हैं आई वॉज बॉर्न इन 1964, आई वॉज बॉर्न इन अलाहाबाद, आई वॉज बॉर्न इन कोलकाता, इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई प्लेस के सेंस में। लेकिन अगर हम बात करते हैं पेरेंट्स से, जैसे कि सी वॉज बॉर्न ऑफ ब्यूटीफुल मदर, वह एक अपनी माँ की जैसी, मीन्स कि अपनी माँ की जैसी सुंदर एक संतान से, एक अपनी यहाँ पे कह सकते हैं कि वह अपनी माँ की तरह ही एक सुंदर है और जिससे कि उसका जन्म हुआ है, ठीक है। तो सी वॉज बॉर्न ऑफ ब्यूटीफुल मदर, ठीक है। बॉर्न टू का मतलब यहाँ पे पैसिव सेंस में होगा, ए सन वॉज बॉर्न टू हर, ठीक है। तो बॉर्न ऑफ का मतलब पेरेंट्स के सेंस में होगा, ठीक। कोई मीन्स कि कोई पेरेंट्स है जो कि सुंदर है, उनसे अगर कोई संतान उत्पन्न होता है तो वहाँ पे बॉर्न ऑफ की बात करते हैं, या सुंदर हो या फिर पेरेंट्स से रिलेटेड हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, सी इज सफरिंग डैश फीवर, सी इज सफरिंग के साथ हमेशा क्या प्रीपोजिशन लगाते हैं, फ्रॉम, सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है, सफरिंग ऑफ नहीं, सफरिंग फ्रॉम फीवर। चलिए नेक्स्ट क्या है, सी इज गुड एट इंग्लिश होता है, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया टाइप करने में, यहाँ गुड है, सी इज गुड, यहाँ पे क्या करेंगे एट, क्योंकि गुड एट का मतलब होता है एक्सपर्ट, ठीक है, एक्सपर्ट, ध्यान रखिएगा गुड एट इंग्लिश। नेक्स्ट आते क्वेश्चन पे कि आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम डैश इन सक्सेस, तो कॉन्ग्रेचुलेशन या कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन होता है, ध्यान रखिएगा। ही इज एंग्सियस हिज सेफ्टी, तो ही इज एंग्सियस के लिए क्या यहाँ पे होगा, ही इज एंग्सियस के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे, ही इज एंग्सियस फॉर हिज सेफ्टी, ठीक है। आई एम डिवोटेड डैश माई कंट्री, तो आई डिवोटेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लगता है, ठीक है। नेक्स्ट चिल्ड्रन आर डैश प्ले, चिल्ड्रन आर इन प्ले नहीं, चिल्ड्रन आर एट प्ले होगा, ठीक है, प्रीपोजिशन इसका फिक्स होगा एट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ही प्रिवेंटेड मी डैश डूइंग दिस वर्क, तो प्रिवेंट के साथ हमेशा क्या लगता है, फ्रॉम लगता है, ठीक है, ना तो ऑफ फ्लो होता है ना विद होता है, बल्कि क्या होता है, फ्रॉम लगता है, ठीक है। तो देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई एम टायर्ड डैश दिस वर्क, तो आई एम टायर्ड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ होता है, ध्यान रखिएगा टायर्ड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ होता है, ये बात नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सक्सीड डैश पासिंग द एग्जामिनेशन, ही सक्सीड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन इन होता है, फिक्स प्रीपोजिशन इन होता है, ही सक्सीड इन होता है, ध्यान रखिए कभी भी आपको फिलर दिखे ही सक्सीड के साथ हमेशा इन लगाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है और लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन है, आई एम डिजायरस डैश गोइंग, ठीक है, आई एम डिजायरस के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ होता है, आई एम डिजायरस ऑफ गोइंग, ठीक है। तो गाइज कैसे लगे वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना, यहाँ पे 25 क्वेश्चन जो थे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे और हमेशा इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि फिक्स प्रीपोजिशन थे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जिनको अगर इंग्लिश में दिक्कत हो तो उनको भी सीखने का मौका मिल सके। गाइज वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।